बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल आर्ट्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको बताऊंगी मेजरमेंट लेने के दो तरीके। पहले हम बात करेंगे बॉडी मेजरमेंट के बारे में, जिसके सात बुनियादी पॉइंट्स हैं जिससे हमें बॉडी मेजरमेंट लेने में काफ़ी आसानी रहती है। बॉडी मेजरमेंट करते हुए अपनी इंच टेप को मेजरिंग के दौरान हमेशा स्ट्रेच रखें, लूज ना करें, क्योंकि कपड़े पर इसकी मेजरमेंट हम अपनी मर्जी से एक दो इंच के इजाफे के साथ ले सकते हैं, लेकिन बॉडी मेजरमेंट को हमेशा पूरा पूरा रखना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे शोल्डर टू शोल्डर मेजरमेंट, जो एक आर्म होल से दूसरे आर्म होल तक ली जाती है। एक बात याद रखने की है और वो ये है कि बॉडी के बैक साइड से शोल्डर टू शोल्डर मेजरमेंट ली जाती है। अपनी इंच टेप को एक साइड के शोल्डर से नेक लाइन के पास से गुजारते हुए दूसरे शोल्डर की तरफ लाना होगा। इसके बाद बात करेंगे नेक लाइन साइज के बारे में। इसकी चौड़ाई अमूमन 6 इंच रखी जाती है, लेकिन अगर आपका कॉलर या बैन वाला गला हो तो इसका साइज कम या ज्यादा भी रखा जा सकता है। तो अगला पॉइंट होगा चेस्ट साइज, जो अराउंड अंडर आर्म लिया जाता है। इसमें फ्रेंड्स, आप जब फ्रंट से इसका साइज लें तो अपनी इंच टेप को हाईएस्ट पार्ट ऑफ ब्रेस्ट पर रखें ताकि एक्यूरेट मेजरमेंट ली जा सके। तीसरा स्टेप है वेस्ट साइज के बारे में, जो अंडर आर्म से 6 इंच के बाद मेजर किया जाता है। इसमें भी आपने इंच टेप को स्ट्रेच रखना होगा ताकि मेजरमेंट एक्यूरेट आ सके। इसके बाद बात करेंगे हिप साइज के बारे में। हिप साइज में फ्रेंड्स, आपने अपनी इंच टेप को बॉडी की बैक साइड से हाईएस्ट पार्ट ऑफ हिप पे रखें और अराउंड लेते हुए फ्रंट से इसका साइज लें। इसके बाद बात करते हैं स्लीव साइज के बारे में। स्लीव साइज के दो पार्ट्स हैं, एक तो वो मेजरमेंट जो हम अपनी शोल्डर से आर्म होल तक लेते हैं, और वो पार्ट है जिसमें हम अपने आर्म होल का साइज मेजर करते हैं। तो इस तरह हमारा ये मेजरमेंट का पार्ट मुकम्मल हुआ। लेकिन अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज जरूर पूछिए, ताकि हम अपने फॉलोअर्स को सेटिस्फाई कर सकें। फ्रेंड्स, अब मैं दोबारा आपको वेलकम करती हूँ अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम एक सिंपल शर्ट की मेजरमेंट किस तरह ली जाती है आपको बताएंगे। पहले बात करेंगे शर्ट की टोटल लेंथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, लेंथ हमेशा नेक लाइन से थोड़े फासले से ली जाती है और शर्ट के बॉटम तक इंच टेप को सीधा रखते हुए इसका साइज लिया जाता है। दूसरा पॉइंट होगा नेक लाइन साइज। नेक लाइन साइज के दो पार्ट्स हैं, फ्रंट नेक और बैक नेक। फ्रंट नेक की गहराई ज़्यादा रखी जाती है और बैक नेक से की गहराई अमूमन कम होती है। बैक नेक की गहराई अमूमन 3 से 3.5 इंच तक रखी जाती है और फ्रंट नेक की गहराई अमूमन नेक के डिज़ाइन के मुताबिक रखी जाती है। तीसरा स्टेप होगा कंधे की टोटल लेंथ। इसमें आप अपनी इंच टेप को कंधे से नीचे ले जाते हुए अंडर आर्म तक इसका साइज लेंगे। हमारा अगला स्टेप होगा चेस्ट साइज। इसे आप एक अंडर आर्म से दूसरे अंडर आर्म तक नापेंगे। अगला पॉइंट है वेस्ट साइज। वेस्ट साइज अंडर आर्म से 6 इंच के बाद मापा जाता है। तो इसके बाद अगला साइज लिया जाएगा हिप्स का। यहाँ से आपकी शर्ट के चौक शुरू होंगे। चौक का साइज अपनी मर्जी से लंबा या छोटा रखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे बॉटम लेंथ के बारे में। इसे शर्ट के दामन से नापा जाता है। तो अब चलिए स्लीव्स की तरफ। फ्रेंड्स, कुछ लोग फुल स्लीव्स पहनते हैं और कुछ हाफ।
अगर आपने फुल स्लीव रखनी हो तो अपने साइज की शर्ट को के बाजू सीधे रखें और इंची टेप को शर्ट के शोल्डर से नापते हुए आर्म होल तक ले जाएं। लेकिन अगर हाफ रखनी हो तो इसका साइज तैयार 10 इंच रखा जाता है। आखिर में बात करेंगे आर्म होल के बारे में। आर्म होल का साइज आप अपनी शर्ट के साइज के मुताबिक लेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, आपको इन दोनों पार्ट्स में कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए और अपने इस बिगनर को बूस्ट अप करें ताकि हम इससे ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकें। जाने से पहले अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना काइंडली मत भूलिएगा ताकि आप हमारे न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले देख सकें। अल्लाह हाफिज़।